जिला मुरादाबाद में जनपद भर के राज्य कर्मचारियों ने मशाल जुलूस निकालकर पुरानी पेंशन बहाल की मांग को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। जुलूस मुरादाबाद के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क से शुरू होकर कलेक्टर पर जाकर समाप्त हुआ। जुलूस में बड़ी तादाद में लोग हाथों में मशाल लेकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क से होते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पहुँचे। जुलूस में जनपद भर के राज्य कर्मचारियों ने पेंशन बहाली की मांग करते हुए जमकर सरकार विरोधी नारे लगाए और दोबारा से पेंशन बहाली की मांग की। जनपद भर के राज्य कर्मचारियों ने कलेक्टर पहुंचकर जिलाधिकारी के माध्यम से अपनी मांगों का राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। हाथों में आग की मसाले लिए आ रहे जनपद भर के राज्य कर्मचारियों को देखकर कलेक्टर में मौजूद पुलिस प्रशासन के हाथ पैर फूल गए और आनन फानन में कड़ी सुरक्षा के बीच कर्मचारियों से लिया गया ज्ञापन सौंपकर सभी कर्मचारियों को शांतिपूर्ण तरीके से अपने अपने घर लौट शिक्षक कर्मचारी अधिकारी पुरानी पेंशन बहाली मंच के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के ये द्वितीय चरण का आंदोलन है। 22 तारीख को अभी धरना दिया था द्वितीय चरण में और आज 28 तारीख को मशाल जुलूस निकालकर जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपेंगे। सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं ताकि समय रहते सरकार जाग जाए, अन्यथा जो है अगर अभी सरकार नहीं जागती है तो 6 फरवरी से 12 फरवरी तक महाहड़ताल होगी और उस पर भी नहीं सोचती तो 12 फरवरी को अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा भी की जा सकती है। और चुनाव सर पर है, सरकार को सोचना चाहिए। 3 राज्यों में सरकार नतीजे देख चुकी है कर्मचारियों की नाराजगी का और लोकसभा में भी कर्मचारियों की नाराजगी का अगर पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाती है तो इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा।